5 जून को विश्व भर में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1972 में मानव और पर्यावरण विषय पर स्टॉकहोम में हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की याद में विश्व पर्यावरण दिवस मनाना शुरू हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में पर्यावरणीय समस्याओं को एक मानवीय चेहरा प्रदान करना है। हमारे देश में भी बिगड़ता पर्यावरण एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। पिछले दिनों मई माह में देश के कई शहरों में दिन के समय 52 डिग्री से अधिक का तापमान इस बात का संकेत था कि हमारे देश में खराब होते पर्यावरण का असर वातावरण पर पड़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण का काम केवल सरकार का नहीं है, बल्कि इसमें हमारे समाज की भागीदारी की भी एक बड़ी भूमिका है। हमें जल, जमीन, पेड़ों, नदियों, कूड़ा करकट, वनस्पतियों, जीव जंतुओं और वायु को संरक्षित करने का काम करना है। भारत में विभिन्न उद्योगों और संस्थाओं को भी पर्यावरण के संरक्षण के लिए खड़ा होना पड़ेगा। देश में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देश में पर्यावरण एवं वन संबंधी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की योजना बनाने, उसका प्रचार करने का काम करते हैं, मगर जब तक समाज में पर्यावरण को लेकर जागरूकता नहीं होगी, सरकार के प्रयास सफल नहीं होंगे। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति आज हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। कृषि एवं उद्योगों में पानी के सीमित प्रयोग से हम जल संकट से निजात पा सकते हैं। भारत को नदियों का देश कहा जाता है। हमें अपनी सदानीरा नदियों को संरक्षित एवं प्रदूषण से मुक्त करना होगा। देश भर की असंख्य झीलों, तालाबों और कुओं को पेयजल के मुख्य स्रोत के रूप में पुनः विकसित करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग बिगड़ते पर्यावरण के लिए एक बड़ी समस्या है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें और जंगलों की कटाई रोकें, तो बिगड़ते पर्यावरण को सुधारा जा सकता है। इसके लिए हमें आज से ही मिलकर प्रयास करने होंगे। प्लास्टिक का बहुत ज्यादा उपयोग भी पर्यावरण की सेहत को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है। प्लास्टिक से बने बैगों, बर्तनों और फर्नीचर के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से प्लास्टिक के कचरे में काफी वृद्धि हुई है। इस कारण प्रदूषण जैसी भीषण समस्या खड़ी हुई है। प्लास्टिक का कचरा हमारी नदियों, महासागरों एवं जमीन और जंगलों को प्रदूषित कर रहा है। जीव जंतुओं से लेकर जलीय जीवों और हमारी सेहत पर भी उसका बुरा असर पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि माइक्रोप्लास्टिक या बेहद छोटे आकार के प्लास्टिक के कण नलों के पानी और सांस लेने वाली हवा में भी पाए जाते हैं। अगर हम आज से ही प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने की शपथ लें, तो ये एक अच्छी पहल साबित हो सकती है। खराब होते पर्यावरण के कारण ही आज सूखा, बाढ़, भूस्खलन, मृदा परिवर्तन, बढ़ता मरुस्थलीकरण और पानी की समस्या पैदा हो रही है। शुद्ध और स्वच्छ वातावरण का निर्माण करने में अगर हम अपनी भूमिका तय करेंगे, तो इस संकट को टाला जा सकता है। आइए आज से ही प्रण करें कि पानी की बर्बादी को रोकेंगे, प्लास्टिक का उपयोग बंद करेंगे, हर उत्सव और पर्व पर वृक्षारोपण करेंगे, जीव जंतुओं की रक्षा करेंगे, कूड़े कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करेंगे, नदियों, झीलों, तालाबों और कुओं में कचरा नहीं डालेंगे, जंगलों को संरक्षित करेंगे, बिजली की बर्बादी नहीं करेंगे, विषैली गैसों से बने उत्पादों को नहीं खरीदेंगे, अपने आस पड़ोस में साफ सफाई और हरियाली को प्रोत्साहित करेंगे, औषधि वाले पेड़ पौधे लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करेंगे, बरसात के पानी को संरक्षित करेंगे, किसी भी स्थान पर कूड़ा कचरा नहीं जलाएंगे और कम पानी वाली फसलों को पैदा करेंगे। इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र, नई दिल्ली की प्रस्तुति।